नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग माउंटेन के बारे में बात करेंगे, पर्वत के बारे में बात करेंगे। पर्वत पर्वत क्या होता है, पर्वत की स्थिति के आधार पर पर्वत का विभाजन कैसा होता है, कुछ महत्वपूर्ण पर्वत जो है उनको हम लोग देखेंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, पर्वत पहला तो ये होगा कि पर्वत द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। तीन उच्चावच होते हैं जिसमें पर्वत द्वितीय श्रेणी में आता है, और पर्वत, पठार, पहाड़ी, ये तीनों की आकृति लगभग एक जैसी होती है। पठार की आकृति में थोड़ा अंतर होता है कि पठार जो है वो उसका जो उसकी जो ऊंचाई होती है वो समतल में होती है, वो चोटी नहीं वहाँ पे होती है। तो पर्वत पठार तो ऐसे ही उसको आप बाहर कर सकते हैं। अब बचता है पर्वत, पहाड़ और पहाड़ी। तो पहाड़ और पहाड़ी में जो अंतर होता है उसको ऊंचाई के आधार पे किया जाता है, और जो वैज्ञानिक परिभाषा है या ज्योग्राफी की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो भी 900 मीटर से ऊंची स्थलाकृति है और जिसपे चोटी है वो पहाड़ होगा, और 900 मीटर से नीचे की स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। ये परिभाषा है, पर ये इसके अपवाद बहुत सारे मिल जाएंगे। भारत में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ की पहाड़ी है, और ये सब जो है इनकी ऊंचाई, अरावली की पहाड़ी है, ये सब की ऊंचाई 1000 मीटर से ऊंची है। तो अमूमन परिभाषा है, वो अलग बात है। अब हम पर्वत का अगर हम विभाजन देखें, पर्वत को बांटा कैसे जाता है, तो पर्वत का विभाजन तीन तरीके से किया जाता है। पहला है स्थिति के आधार पे, और स्थिति के आधार पे अगर हम विभाजन करें तो स्थिति के आधार पे पहले पर्वत को दो भागों में बांटा जाता है, स्थलीय पर्वत और समुद्री पर्वत। स्थिति के आधार पे पर्वत का विभाजन दो आधार पे हुआ, दो भागों में हुआ, स्थलीय और समुद्री। और स्थलीय का भी विभाजन हम दो भागों में कर देते हैं, एक तो तटीय और आंतरिक पर्वत। तटीय पर्वत जो है वो महाद्वीप और महासागर के जो तट होते हैं उसके समानांतर पाए जाते हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो पर्वत है ये इनको तटीय पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, पश्चिम भाग में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे के सारे पर्वत जो है वो तट के समानांतर आपको मिलेंगे। दूसरा है आंतरिक पर्वत, जो कि स्थल से काफी दूर, प्रॉपर अंदर में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। इसमें हिमालय आपका एग्जाम्पल हो गया, यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, क्यूनलून, ये सारे पर्वत जो हैं वो आंतरिक पर्वत हो जाते हैं स्थिति के आधार पे। दूसरा है समुद्री पर्वत। समुद्री पर्वत जो है वो समंदर में पाए जाते हैं, मौना की ये हवाई द्वीप पे है, और एंटीलियन पर्वत, ये पर्वत समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। स्थिति के बाद है निर्माण प्रक्रिया के आधार पे पर्वतों का विभाजन होता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पे हम देखें तो वलित पर्वत पाए जाते हैं, इसके अलावा ब्लॉक पर्वत, संग्रहित पर्वत, गुंबदकार पर्वत, ये पाए जाते हैं। वलित पर्वत की हम बात करें तो वलित पर्वत, जैसे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा अंतरजात और बहिर्जात बल का, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतरजात बल होता है जिसमें एक पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है, जिसमें क्षैतिज संचलन होता है। और क्षैतिज संचलन में दो तरह का संचलन मिल जाता है, एक में कंप्रेशन होता है और एक में टेंशन होता है। तो कंप्रेशन कंप्रेशन के कारण संपिंडन की स्थिति होती है और चट्टानों में वलन पड़ता है।
जिससे कि वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत, ये पर्वत निर्माणकारी संचलन बल होते हैं। कंप्रेशन के कारण वलित पर्वत का निर्माण हुआ और टेंशन के कारण जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा। वलित पर्वत नए पर्वत हैं, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एप्लेशियन और एटलस पर्वत, ये सारे के सारे जो हैं वलित पर्वत हैं। हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एप्लीशियन, एटलस। एटलस अफ्रीका में है, मोरक्को के पास, मोरक्को ट्यूनिशिया के पास एटलस पर्वत है। अफ्रीका का मिसले उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है वहां पे एटलस पर्वत है। अप्लेशियन उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, हिमालय भारत में है। तो ये वलित पर्वत है। दूसरा ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत आपको बताया कि जो टेंशन होता है नीचे जब भ्रंश बनते हैं, भ्रंश के कारण कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है और ब्लॉक पर्वत बनते हैं। ब्लॉक पर्वत में की बात करें तो इसमें बासजेस, ये फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है, राइन नदी बहती है, राइन नदी का पूर्वी हिस्सा पूर्वी किनारे पे ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि जर्मनी में है, और राइन नदी के पश्चिम की ओर बासजेस है जो कि फ्रांस में है। तो बासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, ये जो है आपके ब्लॉक पर्वत में आ जाते हैं। इसके अलावा हम और अगर ब्लॉक पर्वत देखें तो सियरा निवेदा, सियरा निवादा ये कैलिफोर्निया में है, ये सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत माना जाता है, सियरा निवेदा। हार्ट्स पर्वत है, जर्मनी में है, साल्ट रेंज है, पाकिस्तान में है, और रुवेनज़ोरी है, युगांडा में, ये सारे ब्लॉक पर्वत हैं। संग्रहित पर्वत की बात करें, संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी पर्वत को कहा जाता है, जब लाख रावा ये सब बाहर निकलते हैं और इनका जमाव होता है तो संग्रहित पर्वत का निर्माण होता है। संग्रहित पर्वत में मेयान, ये फिलीपींस, फिलीपींस में है, शास्ता और हुड, ये यूएसए में है, फ्यूजियामा जापान में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। तो ये कुछ संग्रहित पर्वत के उदाहरण हो गए। अंत में आता है गुंबदकार पर्वत। गुंबदकार पर्वत की हम बात करें तो धरातल में लंबवत संचलन के कारण, क्षैतिज संचलन के कारण ब्लॉक पर्वत बना, वलित पर्वत बने, ब्लॉक पर्वत बना, संग्रहित पर्वत जो है वो जमाव के कारण बना, गुंबदकार पर्वत जो है धरातल में लंबवत संचलन के कारण कभी कभी कुछ हिस्सा उठ जाता है जिसको कि गुंबदकार पर्वत कहा जाता है। और इसके हम इधर उदाहरण को देखें तो ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, सिनसिनाती उभार, ये सब जो है गुंबदकार पर्वत के उदाहरण है, और ये सारे पर्वत यूएसए में मिलते हैं। एक तीसरा भी हमने दो स्थिति देखी, एक स्थिति के आधार पे और दूसरा निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, और तीसरी जो स्थिति है वो है पर्वत निर्माणकारी घटना।
तीसरी स्थिति है पर्वत निर्माण कार्य घटना। तो जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है और अभी तक जो है वो चार पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई हैं। पहला जो हुआ है वो पहला जो है वो चर्नियन हलचल है। चर्नियन हलचल प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, मतलब 56 करोड़ साल पहले कह सकते हैं कि इसकी ये हलचल हुआ था। और इस हलचल में अरावली पर्वत, लारेंशियन, अलगोमन ये पर्वत जो कि अमेरिका में है, इनका निर्माण हुआ था। दूसरा हलचल है दूसरा है कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल जो है ये सिल्यूरियन और डिवो कैलिडोनियन हलचल सिल्यूरियन और डिवोनियन काल में हुआ था। 58 करोड़, 36 से 30 करोड़ से और 50 करोड़ के बीच का जो काल है उस काल में कैलिडोनियन हलचल हुई थी, जो कि स्कॉटलैंड में कैलिडोनियन पर्वत है उसके नाम पे इसका नामकरण हुआ है। और भारत में हम देखें तो विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव जो है ये पर्वत है, इस पर्वत की उत्पत्ति कैलिडोनियन हलचल के कारण हुई थी। तीसरा है हर्सिनियन हलचल। हर्सिनियन हलचल जो है परमियन काल में हुआ था और अप्लेशियन अप्लेशियन पर्वत का जो निर्माण है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे है, ये हर्सिनियन हलचल के कारण हुआ था। और चौथा है अल्पाइन हलचल, ये 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास ये हलचल हुआ था, जिसमें कि जो नवीन वलित पर्वत है, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, इन सब पर्वत का निर्माण अल्पाइन हलचल के समय हुआ था। तो ये पर्वत के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।